That was 13, that did you? Did I see the video? सुबह सुबह माशाल्लाह यहाँ पे ये हलीम मंगवाया है शुक्रिया ने। ये क्या चीज़ है, हलीम ही है ना? हाँ जी हलीम है। और अंडा वो हनियारी मैंने मंगवाई थी क्योंकि निहारी का मेरा भी दिल कर रहा था ना, मैं कहती हूँ भाई के साथ साथ मैं भी खा लूंगी, लेकिन निहारी मिली नहीं। वो कहते हैं दोपहर को मिलेगी निहारी। अच्छा, बाजू नीचे करो, पलवानी करनी है? नहीं, वो रोटी बना रही थी ना, पलवानी नहीं। अल्लाह माफी दे, मैंने किसके साथ करनी है पलवानी? आपके साथ करनी है। तो फिर ये वो नहीं ना मिली निहारी, तो हैदर अली ना फिर ये पाए ले आया। 240 रुपए की प्लेट है ये। अल्लाह हू अकबर। 240 रुपए की है क्या चीज, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो गरम करना है ये। हाँ जी, बस हलीम गरम कर लिया है और इसमें डाल के ना ये गरम करने लगी हूँ। चलो ठीक है, कर लो जी गरम। हाँ जी, लस्सी ले आओ जाके। ये पड़ा है डब्बा, ये पड़ा है डब्बा, टूट गई है। चलो फिर किसी देश की मिले, मेरे दोस्त ने तोड़ दी। चलो अल्लाह भला करे मेरे दोस्त का। ओए होए, इसका क्या हाल हुआ भाई, ये तो बिल्कुल ही। एक ही बच गया, बाकी तो मर गए बेचारे। बाकी मर गए, कैसे रहते हैं, कोई नहीं रह सकते। माँ के बगैर नहीं रह सकते। जालिमों ने जुल्म कमाया है जी। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये थे मैंने दिखाया था ना वीडियो में। तो ये हुआ जब मैं गया हुआ था हाफसाबाद, जब वो अम्मी जी का खत्म था, सालाना बरसी थी, हरफे का, अरफे का पता नहीं, वो शुक्रिया को नाम आता है कौन सा था, बरसी हरफे का खत्म शरीफ था। तो पीछे ये जो इनकी जो वालदा साहिबा थी, माँ जो थी वो गई बेचारी कहीं रोड पे गई है, किसी ने गोली मारी, वो माँ जो है ना इनकी, इन बच्चों की जो है ना वो मर गई बेचारी। इनके आंखें बंद थी, फिर भाई मकबूल ने, शौकत भाई ने और छोटे बच्चे ने इनको फीडर में दूध वगैरह पिलाया है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे बच्चे जो है ना मर गए हैं। अब ये एक ही बच गया, एक ही बच गया, एक मर गया था वो सुबह ही मर गया, एक और बस यहाँ ही रह गया। ओहो, वाह जी वाह, माशाल्लाह। अब देखे कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है। ओ, ये ढलवान बनानी है ऐसे। अच्छा। ताकि पानी आए ना। हाँ। तो नीचे जाए, उधर खड़ा ना हो। अच्छा, ओके ही। दिमाग खा रही है ना, बहुत दिमाग खा रही है। बड़ा शोर क्या होता है। हाँ, शोर करा है ना, कह रहा ओ ए। सही लग रहा, बेहतरीन लग रहा। हाँ सही हो गया। वो गए हुए मिस्त्री उधर नलके का खुरा बनाने गए हुए है ना, भाई ने फोन करा था भाई हम जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, अब क्योंकि ना मौसम साफ हो गया, मिस्त्री के बेटे की शादी थी वो उधर मसरूफ था। अच्छा। आज फोन आया, कह रहे भाई जान वो नलके का खुरा बनाए। मैंने कहा चले ठीक है, आप बनाओ। चलो ठीक है, बड़ा प्यारा हो गया, थोड़ी सी और हो जाए ना। मेरे ख्याल पानी रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा वो, क्योंकि ऊंची है ना, ऊंची है ना वो साइड। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा हो गया। अंदर से भी किया लेपा चोपा? नहीं, अंदर से सेटिंग कर लिया मैंने। वाह, ऐसे लग रहा है जैसे फातिमा सिस्टर दोबारा आ गई है इस घर में। ठीक है, घर जो उसका है ये। हाँ जी, घर भी उसका, कहते हैं ना कोई औरत होती है घर को संवारने वाली, कोई औरत होती है। सही बात है, ऐसी है ना। बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह अच्छा कर दिया, खूबसूरत हो। मैं भी सोच रही थी दरवाजा वगैरह सही कर देंगे ना मनीप के पापा। हाँ जी हाँ जी, ये हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह। दरवाजा खराब है। चले जी, तैयारी हमारी हो चुकी है। हाँ जी चले। हाँ जी चले, जरा गाना क्या लगाना, खुल गई है ना पिन लगानी है। ये पिन इधर से खुलती रहेगी। बड़ा प्यारा सूट है, कहाँ से आया है ये? वो अम्मा जी ने भेजा। अच्छा, यूके वाले जो कपड़े आए थे? हाँ जी, यूके वाले कपड़े। फिटिंग कराए या थे ये से? नहीं, फिटिंग करवाई है, खुला था, बस फिटिंग करवाई है और मैंने कुछ नहीं करवाया। आगे से दुपट्टा भी सही करो। हाँ जी, कर लिया। चलो सही लग रहा है, सही लग रहा है नजारा। हाँ जी माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा है ना, क्योंकि ऐसे ही आ गया, फिटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त है, बस फिटिंग करवानी थी मैंने, वो करवा ली। चलो माशाल्लाह अच्छा हो गया। चलो जी, हाँ जी आप भी हो गए तैयार? हाँ जी। चले माशाल्लाह, आपने भी यूके वाले सूट पहने हैं? हाँ जी। अम्मा जी वाले जो आए थे। चले कौशल, आपको तो पूरा आ गया सूट ये वाला। हाँ जी। माशाल्लाह, चलो आओ, चले देर हो रही है। आप कहाँ जा रही है? क्या थी दे? हाँ बड़े कद का ना फायदा होता है। मैंने कहा बड़े कद का ना बहुत फायदा होता है, छोटे कद का भी फायदा होता है। मैं नुकसान में हूं? नहीं नहीं, छोटे कद का भी फायदा होता है शायद, फिर मैं नुकसान में हूं। वो कहते हैं ना जिसका छोटा कद होना चाहिए ना, तो जो जिसका मियां बड़ा होना चाहिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बीवी छोटी होती है ना, मर्द का कद बड़ा होता है, तो मर्द ना नजर से नजर मिला के बात कर सकता है। ज़ारा देख रही है कि मुझे समझ नहीं आई। समझ आ गई?
हाँ जी आ गई है। चल मुझे भी आ गई समझ। मेरे लिए तो फायदा ना, क्योंकि आप मेरी नजर से नजर मिला के बात कर सकते हैं। छोटे अच्छा जी का ये फायदा है, बड़े का फायदा नहीं होता। अच्छा आगे से फिर दुपट्टा सही करो। कपड़ों के लिहाज से कह रही सूट पूरा आ गया मुझे। चलो आ जाओ जी। मिठू कह रहा है हमें भी लेके चलो। खर्चा पानी दे देती है। चलो आप चलो हम आ रही। चलो आप चलो। आज हम पहुंच चुके हैं जी। ये राबिया सिस्टर का बेटा है, ये यहाँ पे खेल रहा है। चलते हैं जी, मासूम फातिमा को देखें जी। तौबा, पूरे रास्ते में कॉल नहीं आती, जब वह लोन होगा जब ही कॉल आई। मामी जी अस्सलाम वालेकुम। चूल्हा चूल्हा जला रही, कोई खाना खुना बना रही। मामू तेरा आया, उसे रोटी बना के दे रही। अच्छा मैं उससे हंस रही थी, मैं कहा जल्दी जल्दी तेरी रोटी बना दूं, तेरे मेहमान भी पहुंचने वाले भी हैं। कह रहा मेहमान आ जाएंगे तो फिर क्या है। मैं क्या चूल्हा तैयार कर ले, मैंने जो चीज खाएंगे बना लेंगे। बनाओ बनाओ बनाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनो ठीक हो? आप ठीक हो? आपकी बेरी भी ठीक है? हाँ बेरी भी ठीक है, बेरी फुल हो रही है। फुल हो रही है, फुल हो गई है। हम कम करने आ गए हैं, हम कम करने आ गए हैं। कर लो जितने मर्जी, कम नहीं होते। जब घर वालों से नहीं कम हुई तो हमारे से कहाँ कम होने लगे। जगह जगह मुकद्दर है, उन्हें खाना ही खाना। आप इसे मिले, हम आप इसे भी मिल रहा बेचारे से। मोबाइल भी बड़ा अच्छा ले रखा है। तो जाहिर बात है, जब हमारे पास है तो आपके पास ना। बेर देख के ना, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आपका पैगाम आया था कि बगैर जो ये जो बेरी लगी हुई है ना, इसके जो बेर है ना बड़े मजे के हैं, ये बेर लेके आना। हाँ हमने कॉल की थी, की थी ना, इसलिए कह रहा हूँ। आप क्या कह रही है मामी जी? मैं कहा जितने मर्जी खाओ, बेर नहीं मुकते। बेर नहीं मुकते माशाल्लाह। देखता हूँ मोबाइल इधर से दिखा। चल फिर हिम्मत कर, यहीं से ऊपर चढ़ने का आराम से रास्ता है। इधर से टूटेंगे, इधर से भाई आपने एक शर्त रखनी है, जिसने बेर खाने हो यहाँ से ऊपर खुद चढ़ रहे हैं। सही बात, इधर से बेर तोड़ने देने, उधर से वो तो मैं आपसे तोड़ूंगी। मैं अगर खाऊंगा तो मैं अपने खुद तोड़ूंगा। नहीं जी मैं नहीं, वो वाला लेना है। तू है ना चागर, तू चढ़ सकती है। बिया बंदा नहीं चढ़ेगा। नहीं मेरा वैसे ही का दिखना है, तो माशाल्लाह मैं तो खड़ी बेर पाटी। हां ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हां क्यों मैं आप नहीं आती? नहीं नहीं आप, हां नहीं नहीं आती है सराई की। इतनी भी करी है ना ये मुल्तान वाले ने करी, उसमें मैंने ये कहा, मैं कहा बेटा जी ऊपर चढ़ जाओ। मैं तो कभी दो आपके साथ सलाम दुआ बाद में होगी, पहले मैं पैर खाओ। उसे कहा मैं चढ़ जाओ, चढ़ के तो इस बारे में कहा भी नमी भी हो आई ते ये ऊपर चढ़ेगी ना, बेर उतारेगी फिर बात करेगी। ठीक है सही, इतना आराम नाल चढ़ना ही ते उत्तों इतों उत्ते लगे मैंने आराम नाल, जितने मर्जी झोलियां भरो। ठीक है वो सोच रही है। नहीं मैं तो खड़े पाट के सब तीन चढ़ दी। नहीं शुरुआत तो चरण नहीं करनी है। हाँ ये क्या निकाल। बस कर बस कर बहुमिन। हाँ बाला में, हाँ बाल सो दे खड़े इंतजार। अभी जी हम आए हैं आमना सिस्टर के प्लाट पर, और इतनी तेजी आ गई है प्लाट सेल होने में, देर भी नहीं लगती। अब जहाँ पे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ये सामने आपको बच्चा नजर आ रहा होगा, ये प्लाट जो है ना आमना सिस्टर का है, और इसके साथ वाली जहाँ पे ये ट्राली आपको नजर आ रही है, ये प्लाट 5 मरले का था, अब ये भी सेल हो गया। इसके साथ वाला 10 मरले प्लाट था, ये भी सेल हो गया। इधर भी 4 दीवारी हो गई है, कब्जा ले लिया है मालिक ने जिसने खरीद किया है, और आमना सिस्टर के साथ वाला जो प्लाट पड़ा था 5 मरले वो भी कब्जा ले लिया, उसने रेत डलवाना भी शुरू कर दी है। तेज़ी बहुत आ गई है, चलें घर चलते हैं। अभी और भी इधर से ट्राली आ रही है, धड़ाधड़ जो है ना वो अपना रेट डलवा के जिसने ये परचेज की है। इधर भी घर बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, हर तरफ भी। हाँ जी हाँ जी, इधर भी शुरू हो गए, इधर भी
इस साइड पे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खाना खा लिया है, मैंने, कौशल ने और बच्चों ने, सबने खाना खा लिया है, क्योंकि रह गए थे भाई इमरान और राबिया सिस्टर के जो भाई है ना, वो रह गए थे खाना खाने के लिए, वो अब आए गए थे किसी काम से, तो पता नहीं वो पूछते हैं भी काम हुआ या नहीं हुआ। तो इधर राबिया ने अपने भाई के लिए ना साग को तड़का लगाया, क्योंकि साग वो फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो पहले भी जो हमने खाना था ना उसके मुताबिक तड़का लगाया था। अब राबिया ने ना अपने भाई के लिए ना साग को तड़का लगा दिया, भाई अपने भाई के लिए और भाई इमरान के लिए। जी भाई पप्पू तो आए नहीं है अभी तक। हाँ जी, वो माल वगैरह पड़ा होगा ना। हाँ जी, क्योंकि भाई पप्पू लगाते हैं वो रेड़ी रेड़ी से ना, वो अमरूद और माल्टे बेचते हैं, तो मुझे लगता है आ गए हैं भाई। हाँ जी, वो वॉशरूम में गए हैं। हाँ जी, वॉशरूम में आए क्योंकि भाई का नाम लिया, भाई हाजिर हो गया। माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है जी। चले आप दें अपने भाई को। माशाल्लाह से भी भाई पप्पू आ गए हैं गोलगप्पे। वालेकुम सलाम। गोलगप्पे और दही भले लेके आए माशाल्लाह। चौक आजम के ना ये जो गोलगप्पे हैं और डेंबल हैं, ये बहुत ही मजे के होते हैं। हम जब भी आते हैं ना तो भाई पप्पू ना हमें स्पेशल भाई कहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के। हाँ जी, तो मैंने कहा ठीक है अब चलो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, पहले तो मुरूद खाए हैं चटनी वाले जी, कह रहे बहुत मजा आया है। हाँ जी, तो मैंने कहा चलो आपको, आप तो कह रहे थे भी खाना नहीं खाते जी, तो मैंने कहा जब नहीं खाना खाते तो दही भल्ले वगैरह ये गोलगप्पे खा लो। हाँ जी, वो नहीं, वो साग से खा रहे हैं खाना भी, साग और चिकन से खाना खा लिया। अब राबिया और आप भी जो है ना तो गोलगप्पे बना रही हैं, और गोलगप्पों का ना इधर का पानी भी बहुत मजे का है जी। ये पानी भी लेके आए हैं, पानी हाँ जी पानी भी लेके आए हैं, क्योंकि पानी के बिना ना गोलगप्पे अच्छे भी नहीं लगते जी, तो इसलिए राबिया सिस्टर ने और आप ही ने बना लिया काफी सारे गोलगप्पे, और इधर ये चटनी वगैरह भी रखी है राबिया सिस्टर ने। चलो जी बैठो जी, बैठो जी। माशाल्लाह रुकैया सिस्टर जो है ना, राबिया सिस्टर, राबिया कैसे आप बड़ा हो गया आपको? भाई मैं सबसे छोटी हूं, मुझे भूल जाते हैं। अरे हाय, चलो आप भी मेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है। राबिया सिस्टर ने जन मजेदार माशाल्लाह ये गोलगप्पे, खट्टा पानी, और इसमें क्या है उठाना, दही भल्ले। माशाल्लाह ये मेरे फेवरेट है, इसको पता है जब चौक आजम आता है ना भाई, दही भल्ले शौक से खाता हूँ, और ये जो है ना गोलगप्पे हैं ये फ्री में आ जाते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज 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 अभी जी हम आए हुए हैं आमना सिस्टर का मकान देखने के लिए चौक आजम में, और ये आपको मकान दिखाते हैं। ये गली है और एक गली ये है, एक गली ये है, और जहाँ पे आमना सिस्टर का प्लाट है वो इस साइड पर है, बिल्कुल साथ ही हो जाता है। अब चलते हैं आपको अंदर से जो है ना घर दिखाते हैं। ये भाई जी खोल रहे हैं मेन दरवाज़ा, ये बैठक हो गई, ये अंदर का माहौल है, बैठक है ये वाली, तो यहाँ पे जी अटैच बाथरूम भी है। बिजली नहीं है क्योंकि यहाँ पे बल्ब वगैरह नहीं है। ये सात अटैच बाथरूम है बैठक का, और यहाँ से इधर से चलते हैं जी मेन दरवाज़ा इंटर होने का। ये भी मेरे ख्याल वाशरूम है, ये पता नहीं क्या चीज़ है इधर, ये वाशरूम है ना जी। ये वाशरूम है, ये वाशरूम है, ये वाशरूम का सिस्टम। और यहाँ से फिर अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल बर्तन धोने का सिस्टम होगा, ये हाथ मुंह धोने का, और जी जी एक रूम ये है। यहाँ पे अभी काम वगैरह जो है ना मकान मालिक ने करवाया हुआ है, और एक रूम ये है, और एक रूम जो है ये वाला है। अंदर बिजली नहीं है मेरे ख्याल से, बल्ब नहीं है, अंधेरा अंधेरा बहुत है लाइट ना होने की वजह से।
बाकी रंग वगैरह हुआ वह ज़बरदस्त है। नीचे दो कमरे हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, ये भी सिस्टम साथ में है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये किचन है मेरे ख्याल से। हाँ जी ये किचन है, बिजली नहीं है बस, और तो सब ठीक है मामला। ये किचन है जी, दो कमरे साथ में किचन, बहुत ज़बरदस्त हो गया ये वाला सिस्टम। और यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए। ये जी ऊपर की छत है, और यहाँ पे एक कमरा भी बना हुआ छत पे। दीवारें भी ऊंची ऊंची हैं, पर्दे का कोई मसला नहीं है भाई, जैसे मोहल्ले में पर्दे का मसला होता है। ये ऊपर की छत है। एक घर ये वाला है जी, ये सामने गली है, एक गली ये है, एक गली ये है, और ये फ्रंट का ये देख ले, फ्रंट देखें ये। अब अंदर चलते हैं, अंदर जाते साथ जो है ना जी, ये सहन है, छोटा सा सहन, बहुत ज़बरदस्त है। सामने वॉशरूम है, और यहाँ से अंदर इंटर होते हैं। जैसे इंटर होंगे तो आपको ये पता नहीं हाल सा बना हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये ज़बरदस्त सा बना हुआ है, क्योंकि इधर ना लाइट नहीं है, ये हाल सा है। और उसके बाद ये बैठक बता रही है वाश हाँ जी, ये बैठक है, ऊपर टाइल टस्सू लगा हुआ है, और इसके साथ अटैच बाथरूम है, ये अंदर बाथरूम अटैच बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम यहाँ से, क्योंकि बिजली नहीं है ना मेरे ख्याल यहाँ पे। ये तो जल गया है, ये बल्ब नहीं जला, पता नहीं क्या मसला इसका, मेरे ख्याल ख़राब है ये। एक ये हो गया, या अल्लाह खैर, ये बड़ा खुला डुल्ला सिस्टम है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है ये वाला। और यहाँ से जी एक ये है, ये भी बेहतरीन ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये जी पहला रूम है, ये वाला ये पहला रूम है, और ऊपर देख सकते हैं ये लकड़ी की बनी हुई है, रंग ज़बरदस्त हुआ है, कमरा भी खुला है, नीचे फर्श बना हुआ है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आए तो किचन है, ये वाला किचन ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये भी ऊपर छत जो है ना लकड़ी की है बनी हुई। यहाँ पे ये सेल्फे वगैरह हैं। अब चलते हैं जी, आमना सिस्टर का घर देख रहे हैं, किराए पे लेना है जो। यहाँ पे एक ये है लकड़ी का बना हुआ, मेरे ख्याल से ये घर जो है ना ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, साथ में किचन हो गया, ये खुला बेहतरीन ज़बरदस्त है। उसके बाद ये वाला है, हाल सा बना हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। साथ में ये बैठक है, ये बड़ी खुली है, ज़बरदस्त बनी हुई है। उसके बाद इसका एक और फ़ायदा है, ये भी है, ये भी ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह। शहरदारी है ये, ये क्या है, सहन है ना, ये सहन भी है साथ में, स्कूल भी साथ है। हाँ जी, और दूसरा वॉशरूम ये है। बारिश जी आना शुरू हो चुकी है कनिए, और ये वाला जो घर है ना भाई इमरान को बहुत पसंद आया है, मुझे भी पसंद आया है। उसकी वजह ये है ना, बाजार नजदीक है, उसकी दुकान नजदीक, सबसे बड़ी वजह है ना, हमें चाहिए था सहन। हमारा होता है व्लॉग का मसला, वीडियो का मसला होता है, तो ये वीडियो के हिसाब से ना ये जबरदस्त है। अंदर जो है ना ये छतें वगैरह होगी, ये ऊपर जो है ना ये हमारा सामान रखने के, रहने के लिए, ये सब चीज हमें पसंद है, लेकिन सहन नहीं मिल रहा था, सहन मिल गया है माशाल्लाह। ये ओके है, बाजार भी साथ है, ट्रैफिक सब कुछ ये जो है ना ठीक है, ये वाली जगह। अभी चलते हैं, मालिक से बात करते हैं, उनसे मामला जो है ना तय करते हैं। बारिश शुरू हो गई है, हाँ जी, बारिश आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जी शाम ही हो चुकी है, जाने लगे हैं जी। हाँ जी, मुलाकात मैंने तो कर ली है मामू जी से भी, मामी जी से आपने भी कर ली, एक बार फिर कर लें, क्योंकि ना मामी जो है ना माशाल्लाह गकड़ी, अच्छा गुट के पा, गकड़ी 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 पा रहे हैं, गकड़ी पा पा रहे हैं, पा रहे हैं।
सुबह को सिर्फ हम आएंगे। हाँ जी, सिर्फ आप और भाई इमरान। हाँ जी, चलो आ जाओ मानो, आओ आ जाओ, चले प्यारे। अच्छा भैया, अल्लाह हाफिज। एंड जी हो चुका है हमारा, ओ एंड घर हम आ चुके हैं, क्योंकि जाने आ रहे थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना ब्लॉग का एंड कर ले, या तो साथ जो है ना अकबर ये पाल लिया जफ्फी, शायद बच्चा पालती सा रहे यहाँ पे जो है ना, जारा के कमरे में बरजमान है। ठीक है ना तबीयत आपकी, परेशान तो नहीं हुई? इब्राहिम यही था, पतंगे उड़ा रहा था। पतंगे उड़ाई हैं, उड़ाई है ना? आपने भी साथ उड़ाई है कि नहीं उड़ाई? नहीं, मेरे तो बुखार हो गया था। ओहो, चलो कोई बात, चले जी लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।